हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर का पढ़ा था। उसके बाद कर्व्ड सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। तो कर्व्ड सरफेस के मिरर दो टाइप के होते हैं आपका, एक तो होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल पीसीबी क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर से हमारे इमेजेस कैसे बनते हैं। तो लेकिन जब कॉनकेव मिरर से हम इमेजेस बनाएंगे उससे पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या होती है, लाइट रेस निकलती है जो कि मिरर पर जाएंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है। तो वो जो लाइट रेस का रिफ्लेक्शन होता है, तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेनली टू रेस का यूज करते हैं। तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट रेस का, तो वो कुछ रूल्स फॉलो करती हैं। किस टाइप के रूल्स होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपकी कोई रेस आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका क्या है, एक आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई लाइट रेज आती है, मान लीजिए ए कोई लाइट रेज आ रही है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और वाई, इसके पैरेलल कोई अगर लाइट रेज आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ये B हो गया और ये Y, ये C हो गया। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से होके जाएगी, फोकस से। तो ये तो हो गया पहला रूल, आती कैसे है पैरेलल और जाएगी कहां से, थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रूल क्या है, अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, ऐसे जा रही है, कहां से जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गई, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई अगर कोई लाइट रेज जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद भी कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो लाइट रेज है ये मिरर पे जब पड़ती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम उसी पाथ से वो वापस आ जाती है। रूल नंबर थर्ड, थर्ड क्या है कॉनकेव मिरर का, अगर कोई लाइट रेज, पहले क्या था, पहला आती थी फोकस से होकर जा रही थी, कर्वेचर से होकर जाती थी तो कर्वेचर से ही वापस होती थी। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच रखा है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, तो पहली रेज आपकी जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हम क्या टू रेज का यूज करते हैं, तो पहली रेज आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। तो हमें रूल नंबर फर्स्ट पता है कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से होके आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। तो ये आपकी आ गई फोकस से। ठीक, सेकेंड रे आपकी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई और रिफ्लेक्शन के बाद आ जाएगी इसी पॉइंट पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापस आएगी। अब यहाँ पे दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो ये लेफ्ट साइड कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको आप राइट साइड पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और ये इस पॉइंट पर हमें ए डैश ए का इमेज मिल जाएगा। कंप्लीट इमेज चाहिए हमें ऑब्जेक्ट की, हम इसको इस पे
जो आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है उस पर पूरा ड्रॉन कर देंगे। तो हमें ये हो गया अपवर्ड टॉप पॉइंट। तो पहली रेज आपकी क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस की पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और उसी रूट से वापस आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी। तो आपका लेफ्ट साइड कहीं भी जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड दोनों रेस को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे ए पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे और हमें एक कंप्लीट इमेज मिल जाती है। अब अगर यहाँ पर कोई पर्सन देखता है तो उसको लगेगा ए डैश पॉइंट से लाइट रेस क्या है आ रही है। तो जो इमेज बनेगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है, तो जो हमारा इमेज बना कैसा है, ये कैसा है इमेज, कहाँ बना है, कॉनकेव मिरर के बैक साइड में। जो रियल में रिफ्लेक्टेड रेस थी वो हमारी कहाँ थी, लेफ्ट साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब ये कैसा है ऑब्जेक्ट से, काफी बड़ा है तो लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। ठीक, ये कैसा है, मैग्नीफाइड, और ये कैसा है, सीधा, कैसा है, सीधा, इरेक्ट। जैसा आपको ऑब्जेक्ट का अपर पॉइंट है ऊपर की तरफ, तो यहां भी अपर पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच है तो जो इमेज होगी वर्चुअल इमेज होगी, मैग्नीफाइड होगी, इरेक्ट होगी। अब इसका यूज कहां पर होता है, जो आपका क्या मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमें अपने क्या करना है, फेस को पास से देखना है, तो हम क्या करेंगे, अपने फेस को कॉनकेव मिरर के फोकस से थोड़ा आगे ले आएंगे, फोकस से कम डिस्टेंस पे अपने फेस को रखेंगे, तो हमें अपना चेहरा क्या दिखेगा, मैग्नीफाइड दिखेगा। जो आपके डेंटिस्ट होते हैं तो उनके पास क्या होता है, छोटी मिरर होता है, तो जब वो टूथ वगैरह चेक करते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो उसका लस होता है उससे कम डिस्टेंस पे वो टूथ के पास ले आते हैं और टूथ की कैविटी या जो भी जर्म्स वगैरह कैविटी चेक करने में हेल्पफुल होता है। तो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर का यूज, डेंटिस्ट और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज देखना है तो हम क्या करेंगे, उसको कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच रखेंगे। मान लीजिए इसका फोकस कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, कोई आपने कॉनकेव मिरर लिया उसका फोकस है 10 सेंटीमीटर और हमें ये मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी कि 8 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 से कम होना चाहिए, तो हमें उसका मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगा और सीधा मिलेगा और बड़ा मिलेगा। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर, तब हमारा इमेज कैसे बनेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, फोकस पर हमने रख दिया, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। अब यहां से गई आपकी पैरेलल पहले प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होगी, कहां से निकलेगी, फोकस से, ये हमें पता है। अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी और इसी रूट पर वो वापस आ जाएगी, ठीक। तो ये दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल, क्या हो जा रही है, पैरेलल। तो अब ये पैरेलल रेस ना तो ये पीछे हम लोग कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं और ना ही ये आगे कहीं मिलेंगे, तो इमेज हम मान लेते हैं कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट पे, हमारा इमेज कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक। अब कैसा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा, रियल बनेगा और काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है किसी कॉनकेव मिरर के, तो पहली लाइट रेस
आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके आई, सेकेंड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गई और उसी रूट से वापस आई, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रेज हमारी क्या हो गई, पैरेलल। अब ये इमेज हमारी क्या बन रही है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है उन्हीं को माना जा रहा है कि ये इनफाइनाइट पे जाकर कहीं मिल जाएंगी, तो हमारा इमेज कैसा होगा, रियल होगा और काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे। तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे आपका टॉर्च होता है तो इसके फोकस पे हम लोग, ये है इसका फोकस पॉइंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बल्ब को प्लेस करते हैं टॉर्च में। तो ये लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है, ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो कॉनकेव सरफेस होता है टॉर्च का, तो उसके फोकस पे क्या हुआ, ये बल्ब है, लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद सारी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एक काफी स्ट्रॉन्ग लाइट देती है, जो कि आपकी कार है, टॉर्च है, सर्च लाइट वगैरह में इस टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग, ज्यादा तेज रोशनी जो काफी दूर तक सीधे जाती है। नॉर्मल लाइट क्या होती है, पूरे कमरे में फैल गई बराबर, लेकिन ये जो आपका कॉनकेव मिरर होगा तो ये शार्प लाइट देगा काफी, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है। तो ये हो गया आपका अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, और इसका यूज हम लोग ये लाइट्स में करते हैं, जो कि कार्स में, टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट वगैरह में यूज होता है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो फिर इसका इमेज कैसा बनेगा। अब आपका ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो यहां से गई पहले पैरेलल रेज गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आएगी, फोकस से। दूसरी रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और इसी रूट से वापस आएगी। ठीक, अब इसी रूट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, वापस आएगी। तो ये आगे जाके कहीं पर क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो आपका जो इमेज बनेगा, ये जहां पर दोनों रेस इंटरसेक्ट होंगी वो क्या होगा, ए डैश, ए पॉइंट का इमेज होगा ए डैश। हमें कंप्लीट इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, और आपको ए डैश बी डैश कंप्लीट इमेज मिल जाएगी। अब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट का ए डैश पॉइंट अपर वाला कहाँ है, ऊपर साइड है, यहाँ पर क्या हुआ, हमें नीचे मिला, यानी कि इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, और आपका इमेज क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के सामने ही बना है, तो ये कैसा है, रियल। तो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर कोई इमेज रियल बनता है तो वो ऑलवेज कैसा होगा, इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, ये ऑलवेज कैसा होगा, इरेक्ट, रियल इमेज हमेशा उल्टा ही बनेगा और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज थी वो क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई, इसलिए हमारा इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और ये कैसा बना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका टॉप पॉइंट, तो ये कैसा हो गया, उल्टा, रियल है तो इन्वर्टेड होना ही होना है। इमेज आपका मैग्नीफाइड है क्योंकि बड़ा बना है। ठीक, तो ये था आपका अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, और आपकी जो इमेज बनी होगी जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है आपका, ये इसके क्या बनी है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज आपकी कहां बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है एक्स वाई, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है आपका ए बी, तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे हम लोग? पहली रेस हम लोग पैरेलल ले गए, ठीक, प्रिंसिपल एक्सेस के हम लोग ले आए फोकस से, ये आ गई आपकी बी और ये डी। अब सेकेंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ले नहीं आ सकते, हर बार क्या करते थे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए हम सेकेंड रे क्या ले जाएंगे, फोकस से। अब हमें पता है कि अगर कोई रे फोकस से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल। ये हो गया आपका ई एफ। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके निकलेगी, अगर वो फोकस से होके जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो दोनों आप जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेस है ये इस पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है और ये बन जाता है इमेज। ये थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आ रहा लेकिन ये सेम साइज पे बनेगा, ये बन गया ए डैश और ये बी डैश। तो अगर हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो आपका जो इमेज बनेगा, अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस रियल में क्या हुई है, इंटरसेक्ट हुई है, तो हमारा इमेज कैसा है, रियल है। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है और कैसा है, ये सेम साइज, ठीक, और कहां पर बना है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसका इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। सर अब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, इसका फोकस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, ठीक, तो इसका इमेज अब कैसा बनेगा। तो फर्स्ट रे कहां से जाएगी आपकी, पैरेलल गई, ये हो गया बी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आएगी, ये फोकस से होके, ठीक। सेकेंड रे हम यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा सकते हैं तो ये गई, ठीक है, और ये आपका हो गया डी पॉइंट। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, इसी रूट से वापस आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। तो इस पॉइंट पे दोनों रेस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, यहां पर हमें ए का इमेज ए डैश मिला, कंप्लीट इमेज चाहिए, हम इसको ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मिल गया बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमें क्या मिल गया, इसकी इमेज मिली, ये क्या है, लेफ्ट साइड ही है, मिरर के सामने ही है, दोनों आपकी लाइट रे रियल में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमारा इमेज कैसा हो गया, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और ये इमेज कहां पर है, एफ और सी के बीच, बिटवीन एफ एंड सी, और ये क्या होगा, स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आपका जो ये इमेज बनेगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। अगर आप किसी कॉनकेव मिरर के क्या हो जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो आपका चेहरा कैसे दिखेगा, उसमें उल्टा दिखेगा और छोटा दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है इनफाइनाइट में, यानी कि हमें पता नहीं है कहाँ पर है, ये आपका है कॉनकेव मिरर एम एम डैश, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, कहां से आ रहा है, उसकी रेज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टू रेज लेंगे, जो आ रही है पैरेलल आ रही है, ये गई, ठीक है, आपकी ए रेज हो गई। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी कहां पर है, इनफाइनाइट पे है, तो उससे हमने क्या ली, दो रेज ली जो पैरेलल आ रही है, ये किसी एंगल से होके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये ए और ये आपकी बी, दूसरी रेज वो भी पैरेलल आई किसी एंगल से, वो भी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी हो गई मान लीजिए डी और ये हो गई ई।
तो आपकी दो रेस आई, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हुई किसी एंगल से, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, आपका आई होगा, आर होगा, इसका क्या हो जाएगा, आई और आर। आप रिफ्लेक्शन के बाद दोनों इस पॉइंट पे क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट होती है, और ये मान ली डैस बी डैस। तो ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पे। पहले हमने पढ़ा था अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो हमारी रिफ्लेक्शन के बाद रेस क्या होती थी, पैरेलल हो रही थी, और आपका इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा था। तो यहाँ पे उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट से रेस कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, इनफाइनाइट पे, तो आपका इमेज कहाँ बना, फोकस पे। तो ये बन गया आपका फोकस पे इमेज, जो कैसा है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर। अगर आप जैसे सन का इमेज बनाते हैं, तो अगर हम पेपर को फोकस पे रखते थे तो क्या होता था, एक ब्राइट स्पॉट बनता था जो सन की इमेज थी। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स होते हैं तो वो क्या पहनते हैं, हेड पे एक कॉनकेव मिरर पहन लेते हैं, तो जब जो लाइट्स होती है लैम्प्स, उसकी लाइट उस पर पड़ेगी तो वो क्या करेगी, सारी लाइट्स को उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे कंसंट्रेट कर देंगे। तो जब वो एग्जामिन करते हैं ईयर, नोज, थ्रोट वगैरह, तो उस पार्ट पे क्या होती है, परफेक्ट लाइट पड़ती है और वो इजिली किसी चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। और जैसे आपका विश होता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर लगा होता है, तो ये क्या होता है, इसकी जो डिस्क की प्लेट होती है कैसे होती है, कॉनकेव शेप में होती है। तो यहाँ पर लाइट रेस के रूल नहीं होते, लेकिन लगभग उसी टाइप से होता है। क्या होती है, हमारी जो रेडिएशन आती है, जो सिग्नल्स आते हैं बहुत दूर से आते हैं इस पे पड़े, तो ये क्या करता है, उन सिग्नल को अपने फोकस पे क्या कर देता है, कंसंट्रेट कर देगा। यहां से सिग्नल हमारे टीवी में फिर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं और हमें इमेजेस मिलती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है तो कॉनकेव मिरर उसका इमेज कहां पर बनाएगा, फोकस पर। अगर हमें किसी कॉनकेव मिरर की फोकस निकालनी है कि उसकी फोकस जो लेंथ है कितनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज हम लोग बनाते हैं। तो हमें मान लीजिए इस पेपर पे बनाना है सन की इमेज, तो हम क्या करेंगे, पेपर पे इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जहां पर हमें सन की ब्राइटेस्ट इमेज मिल जाए, तो वो जो डिस्टेंस होगी, तो हमने मान लीजिए पेपर यहाँ पे रखा था, ठीक, तो यहाँ पर हमें सन की एक ब्राइट इमेज मिल गई, तो अब इस पेपर की जो पोजीशन है वो कॉनकेव मिरर से जितनी दूरी पर होगी वो हमारी उस मिरर की क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। तो इस तरह हम किसी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैसे बनती है, अगर उसकी पोजीशन हम लोग अलग अलग रख के देखते हैं, फोकस और पोल के बीच, फोकस पर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बियॉन्ड द कर्वेचर, इनफाइनाइट पर। तो आज तो हमने इमेज फॉर्मेशन सीख ली, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।